दिस इज महिंद्रा ई अल्फा मिनी हैलोजन हेडलैम्प, महिंद्रा का लोगो, महिंद्रा की 7-स्लेट ग्रिल, फाइबर का मडगार्ड, 4/50-10 के टायर, सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, गेट वेट कोई कंसेप्ट नहीं, किधर से भी अंदर आओ किधर से भी बाहर जाओ, क्रोम में फिनिश्ड हैंडल, ये ब्रेक है इसका, फॉरवर्ड रिवर्स हाई मीडियम लो मोड, हॉर्न इंडिकेटर और अपर डिपर। इसमें ये रेंज दिखाता नहीं है कि कितनी रेंज बची हुई, बस यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ चार्ज मिलता है। हेडलैम्प्स के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, और वाइपर बहुत ज्यादा ही चिंटू मिंटू है। चौड़ी ड्राइवर की सीट, इसके नीचे है 4 इन्वर्टर वाली बैटरी जो हम घर में यूज करते हैं, बेसिकली 12-12 वोल्ट मिला के 24 वोल्ट बनाती है और टोटल आता है 120 एम्पीयर आर का करंट। बैठने में कोई दिक्कत नहीं, जगह वगैरह बहुत है, 90-90-12 के टायर है, कतई पतले टायर है। अंदर की तरफ 1000 वोल्ट की मोटर लगी हुई है जो कड़ाई पे साथ छोड़ सकती है। पीछे से देखने में ये गाड़ी बहुत पतली लगती है। गाड़ी की कीमत आती है 1.5 लाख रुपया। कंपनी कहती है कि एक चार्ज में 90 किलोमीटर चलेगी, बट मुझे मिला है 60-65 किलोमीटर का रेंज। अगर आप मेरी माने तो 1.5 लाख वाले सेगमेंट से ऊपर जाकर 2.5 लाख वाले सेगमेंट की रिक्शा खरीदे, आप फायदे में रहे। लेड एसिटेट वाले नहीं खरीदे, लिथियम आयन वाले। ऐसे और इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखने के लिए आप मुझे नीचे फॉलो कर सकते हैं।